बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। रमजान की मजेदार सी इफ्तारियां आपके लिए तैयार हो रही हैं, टेस्टी और लाजवाब सी। चलिए आज हम आपके लिए रेसिपी लाए हैं मजेदार से पोटैटो रोल्स, जो डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं इजी और आसान तरीके से। चलिए सब कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कम्प्लीट वीडियो को वॉच करने का और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज इजी कुकिंग डैश टी है चैनल का नाम, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे आसान आसान टेस्टी और मजेदार सी रेसिपीज आपको मिलेंगी, जो आपको बहुत मजा आपके दस्तरखान की चार चांद लगा देंगी, फिर टेस्टी और बहुत मजे की होंगी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बना रहे हैं मजेदार से पोटैटो रोल्स थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। इसको तैयार करने का तरीका नोट डाउन कर लेते हैं। जी, मेरे पास मैदे की है डो, मैं तैयार कर ली थी, क्योंकि मैदे को डो अक्सर मैंने बहुत आपको बता दी है, तो ये मेरे पास थोड़ी सी डो है, इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे, स्नैक्स बनाएंगे। और दूसरा ये कि मेरे पास ये आलू बॉयल कर लिए थे मैंने, थोड़ा सा मटर और थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे, ड्राई स्पाइसेस, इससे मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने ये पहले से तैयार कर ली चीज़ें। अब यहाँ पर हम सबके इस पर थोड़ा सा मैदा डस करेंगे, जिसको डाल कर लेंगे, और ये पेड़ा उठाएंगे ऐसे, इसमें लार होंगे हम, इसको एक रोटी की शेप दे देनी है ऐसे। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल ली है इस टाइम पे। अब इसके दरमियान में हम रखेंगे एक ढक्कन सा ऐसा गोल, बिल्कुल इक्वल दरमियान रखेंगे, और ये बैटर उठाऊंगी मैं और इस पर हम लगा देंगे। मैंने नाइफ की मदद से अच्छे से कट लगा लिया सारे। अभी मैंने थोड़ा सा बैटर ले लेना है मैदा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा लिक्विड सा हमें इसका ग्रेवी सी तैयार कर लेनी है, इसको लम्स ना हो, बस ये कर रहे हैं। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है, 1 टेबल स्पून मैदे में, ये इसलिए मैंने तैयार की है ताकि ये मैं इसको लगा दूं, ताकि ये अच्छे से सेफ कवर हो जाए और खुले ना। ये देखिए बस इस तरह के बैटर चाहिए हमें, और ये मैं दरमियान से हटा दूंगी, और यहाँ पे हमें इस बैटर को ऐसे लगाने के लिए छोड़ दूंगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कर दूंगी। ये मैंने उठाना है यहाँ से ऐसे, इसको मैंने हल्का हल्का से सर्कल करना है। इसको मैंने तैयार कर दूंगा सबको। इसको मैंने ऐसे ही ऐसे रोल करते जाना है, बस इस टाइप पर ऐसा बन जाएगा, और इसको हमने ऐसे प्रेस कर देना ताकि ये खुले ना।
इसे मैंने ऐसे तैयार कर लिया। अब मैं कढ़ाई रख लूँगी फ्लेम पर, उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे इन सब रोल्स को। देखिए बस ये मशरूम मैंने साथ तैयार कर लिया और इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर मैं जहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को दिया फ्लेम पर, फ्लेम को कर लिया ऑन, उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हम इनको फ्राई कर सकें। तो जब तक ऑयल अच्छे से गर्म होगा उस टाइम तक हम इसको वेट करते हैं, इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फिर उस टाइम पर ऑयल हो गया अच्छे से गर्म, मैं इसमें डाल दूंगी ताकि हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमें तो पानी लगा सके इसको चलो लगाना चाहिए। तो उधर ये मछली की तरफ तैयार हो चुका है, वो फिर कलर कलर आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त कलर आ चुका है इसका। सब चीजें कर देंगे बंद। देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारे पोटैटो रोल्स इस टाइम पे तैयार हो चुके हैं, टेस्टी और लाजवाब से, बिल्कुल इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है बनाने में। फ्लेम को कर दिया बंद, अब इसको सर्व करके दिखाएंगे हम आपको मजेदार सा। लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन मजेदार से पोटैटो रोल्स हमारे देखे तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी भी और बहुत मजे के हैं। देखिए आप इसका साउंड सुन सकते हैं, कितने क्रिस्पी है, कितने ही मजेदार से तैयार हुए हैं। अफ्तार पार्टी पे आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब चलिए इसको हम सर्व करेंगे मजेदार सी सॉसेस के साथ। लीजिए व्यूअर्स, इसको हमने हरा धनिया और मजेदार सी पुदीने की चटनी बनी थी दही में मिक्स की, और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी और कितना मजे का ये तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त है, ये अंदर तक कुक हो चुका है, बहुत ही मजे का है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, टेस्टी और मजे की। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।